बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए बायोलॉजी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगर ये वीडियो देने के पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बायो के इंपॉर्टेंट मैंने एक टीचर से लिए हैं, अच्छे टीचर हैं, इंटेलिजेंट टीचर हैं, उनके माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से भी तैयारी कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये पढ़ लेना। दूसरा पढ़ लेना वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों जाति और सबसे बड़ी इकाई होती है वंश, याद रखिएगा। फिर ICBN का पूरा नाम और ICZN का पूरा नाम, ICBN का पूरा नाम ये लिखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर की बारी आती है, तो प्रश्न उत्तर में आप देख लें थोड़ी सी ये प्रश्न बैंक धुंधली है। समष्टि को परिभाषित कीजिए। चौथा है किन्हीं दो पादप वैज्ञानिकों के नाम। नौवा है द्वि नामकरण पद्धति क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। पहला है वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, ये तैयार कर लीजिएगा ये प्रश्न का उत्तर। ये देखें ये है इन दोनों के उत्तर, ये लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न 11वां, वर्गीकरण के किन्हीं तीन महत्व के बारे में बताना है आपको। फिर जैव विविधता से आप क्या समझते, इस प्रश्न का उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। अध्याय एक में उन्होंने इतने ही बताए हैं, अध्याय दो की बारी आती है, तो अध्याय दो में ये 5वां क्वेश्चन है जीवाणुओं में विखंडन की क्रिया का आपको सचित्र वर्णन करना है। फिर यहाँ पे ये 8वां क्वेश्चन सहजीविता क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में तीन अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर एक प्रारूप की जीवाणु कोशिका का चित्र आपको आ सकता है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये वाला मोनेरा जगत के तीन लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा। 10वां है डायनोफ्लैजिलेट के तीन लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जीवाणु भोजी का चित्र देख लीजिएगा। फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, बच्चों ये तो कॉमन सा प्रश्न है, इतने आप 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 18वां क्वेश्चन सहजीविता से आप क्या समझते, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर अध्याय 3 पे आ जाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव उन्होंने ज़्यादा नहीं बताए हैं, तो आप लोग केवल इनको देख लें प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत के नाम लिखिए, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, ये 5 जगत हैं। फिर शैवालों के प्रमुख लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 7वां विषम जीवाणुकता को लिखिए। फिर 11वां प्रश्न कवक मूल किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है। 13वां प्रश्न लाल शैवाल और भूरे शैवाल में दो अंतर। फिर युग्मक संलयन और त्रिसंलयन में दो अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला प्रश्न शैवालों के तीन लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा। लेवर वर्ट और मांस में तीन अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। 5वां ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल चर क्यों कहा जाता है, ये बताए हैं उन्होंने, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में तीन अंतर। फिर यहाँ पे देखें अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में अंतर, ये लिखा है जिप्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद कवक मूल और शैवाल मूल में तीन अंतर, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये हो गए हमारे अध्याय 3 तक के इम्पोर्टेंट। इसके बाद अध्याय 4 आ गया प्राणी जगत, इसमें देखें खुला और बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें अंतर। फिर अरीय सम्मति, द्विपार्श्व सम्मिति, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। 8वां है आर्थ्रोपोडा संघ की दो विशेषताएं लिखी, इसको देख लीजिएगा। 9वां रेडोला का क्या कार्य है, बच्चों बायोलॉजी है, ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए फटाफट आपको केवल प्रश्न उत्तर बता दे रहा हूँ। 11वां 12वां 13वां चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है, पॉरीफोरा संघ के दो लक्षण। 13वां स्टारफिश, एस्केरेज, ऑक्टोपस और कॉकरोच के आपको वैज्ञानिक नाम बताना है, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा इनके जंतुओं के संघ के नाम। फिर इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन कशेरुकी संघ के प्राणियों के तीन मूलभूत लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन स्तनधारी वर्ग के तीन लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण और दो उदाहरण, इसको निशान लगा लीजिए। फिर गोलक्रमी और फीताक्रमी में तीन अंतर, मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद पेरिफेरा संघ के तीन लक्षण, फिर संघ एडाइनोकार्मेटा, एकाइनो
डरमेटा के प्रमुख लक्षण और दो उदाहरण, ठीक है। फिर अध्याय पाँच पे आ गए हम, तो अध्याय पाँच में पहला है पौधों में जड़ के दो कार्य, ये कर लीजिएगा। फिर पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए, पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए, फिर बीजान्यास को परिभाषित कीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद बच्चों पहला क्वेश्चन है किसी मूल के विभिन्न भागों के चित्र सहित ये सब अवस्थाने का मूल तंत्र को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर पत्ती के विभिन्न भाग वाला, तो ये पूरा लिख लीजिएगा कि एक प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भाग, ये पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद बच्चों जलिका वत् शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास, इसमें अंतर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर, ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्प क्रम में तीन अंतर, ये भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखें एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प में तीन अंतर तैयार कर लीजिएगा, ये है एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद अध्याय छः चालू हो गया हमारा, अध्याय छः में विभाज्योद्यक और पेरेनकाइमा ऊतक के दो कार्य, ये कर लीजिएगा। फिर कोलेनकाइमा और जाइलम फ्लोएम के एक एक कार्य, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक विभाज्योद्यक में इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। जाइलम फ्लोएम के दो दो कार्य, ये तैयार कर लीजिएगा। द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री, ये चित्र आ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसके तने की संरचना का चित्र। फिर इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, अंतर, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे देखें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में तीन अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। रंध्र की संरचना का सचित्र वर्णन, ये देखें पूरा लिखा है, इसको देख लीजिएगा। फिर ग्यारहवा है खुले और बंद संवहन तंत्र में अंतर, तो ये देखें खुला और बंद संवहन तंत्र क्या होता है, ये है पूरा इसका उत्तर यहाँ पे। फिर एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ में कोई तीन अंतर, ठीक है, तो ये जड़ में तीन अंतर ये लिखे हुए हैं। अध्याय सात की तरफ बढ़ते हैं, अध्याय सात में बच्चों अस्थि और उपस्थि में दो अंतर कर लीजिएगा, संयोजी ऊतक की परिभाषा कर लीजिएगा, केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा, फिर उपकला ऊतक और इसके प्रकार ये तैयार कर लीजिएगा, बहिस्तावी ग्रंथियां अंतःस्तावी ग्रंथियां में अंतर, अस्थि उपस्थि में अंतर ये तैयार कर लेना, ये लिखे हुए हैं अस्थि उपस्थि पूरे अंतर। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये है अरेखित पेशी का चित्र, उन्होंने बोला था कि अरेखित पेशी का चित्र बच्चों को बता देना, तो ये अरेखित पेशी का चित्र, तंत्रिका पेशी का संरचना सहित चित्र ये तैयार कर लीजिएगा। कोशिका प्रवर्ध, ये तो हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, इसका डायग्राम आ सकता है, ये देख लीजिएगा, इसके पार्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। अध्याय आठ आ गया कोशिका जीवन की इकाई, इसमें देखें पीपीएलओ का पूरा नाम, उन्होंने स्पेशली बोला है पीपीएलओ का पूरा नाम पढ़ लीजिएगा, क्या है, प्ल्यूरो निमोनिया समजीव, ये तैयार कर लीजिएगा जो भी है आपका। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रीकोरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, सातवां क्वेश्चन है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दो झिल्ली रहित कोशिका अंगों के नाम, ये तैयार कर लीजिएगा। अंतः पराशरण नौवा, फिर जीव द्रव कुंचन, फिर अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग, फिर इसके बाद ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई अंतर, ये कर लीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इसमें डिफरेंस। फिर इसके बाद बच्चों चौदहवा क्वेश्चन कोशिका भित्ति के दो कार्य, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। फिर बेटा प्लाज्मिड क्या होता है, इसके जीवाणु में उपयोगिता, ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत बड़ा उत्तर है इसका। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांक चित्र, ये भी कर लीजिएगा। फिर इसी में देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा उदाहरण सहित, सातवा क्वेश्चन है केंद्रक के कार्य, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें यूकैरियोटिक गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र से किस प्रकार भिन्न है, ये प्रश्न भी दिया हुआ है, अच्छे से आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे हरित लवक के कार्य, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर है क्यों कहते हैं, ये तो अपन नौवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये वाला प्रश्न क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना और कार्यों का वर्णन करना है। फिर यहाँ पे देखें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में तीन अंतर ये लिखे हुए हैं, इसको देख लें आप लोग, और ये है पूरा इसका डिफरेंस। फिर ये चित्र प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांक चित्र, जंतु कोशिका का चित्र, पादप कोशिका का चित्र, ये तो कंपलसरी है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर ये भी देख लेना आप लोग। फिर अध्याय नौ जैव जगत, जैव अणु में बच्चों मोनोसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, ये डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद तेरहवा केंद्रकीय अम्ल क्या है, पंद्रहवा काइटिन क्या है, ठीक है। फिर पहला है जीवों में जल के तीन प्रमुख कार्य, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं,
फिर यहाँ पे देखें चौथा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, ये पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। फिर सातवां है वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बताइए। वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए की संरचना दी थी ये है पूरी संरचना, आपके पास भी होगा डायग्राम तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर प्रोटीन के तीन कार्य कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पे बच्चों डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, अंतर इसका तैयार कर लीजिएगा डीएनए आरएनए में। फिर लिपिड का वर्गीकरण उदाहरण सहित करना है आपको, ये है पूरा लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, वसीय, उदासीन, वसाएं, तेल और मोम, ये है पूरा, इसको आप देख लीजिएगा। और ये संयुक्त लिपिड और भी हैं बहुत सारे। फिर न्यूक्लियोटाइडों के कार्य ये तैयार कर लीजिएगा प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में टिप्पणी आ सकती है आपको लिखने, दो नंबर का प्रश्न में दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या है एक्चुअल में, ये कार्बोहाइड्रेट है, इनका प्रकार है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे अध्याय दस में बच्चों ये वाला प्रश्न, युग्म पट्ट के स्पष्ट कीजिए, स्थूल पट्ट को स्पष्ट कीजिए, तो युग्म पट्ट और स्थूल पट्ट दोनों दृष्ट लेना है आप लोगों को। फिर साइटोकाइनेसिस ये तैयार कर लीजिएगा। फिर केंद्रक विभाजन क्या होता है इसको आपको स्पष्ट करना है पूरा। फिर यहाँ पे बच्चों ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ पे ये समजात गुणसूत्र और किसे कहते हैं, फिर जीव द्रव्य विभाजन तथा केंद्रक विभाजन में अंतर ये तैयार कर लीजिएगा। कोशिका चक्र का चित्र में निशान नहीं लगा पाया, उन्होंने बोला था कि इसको ये बच्चों को बोल देना, कर लीजिएगा, ये तैयार कर लेना आप लोग। फिर प्राणियों के जीवन चक्र में समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है इसको देख लीजिएगा। फिर समसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र किस अवस्था में पृथक होते हैं ये तैयार कर लीजिएगा, 19 क्वेश्चन हुआ। फिर यहाँ इसके बाद अध्याय 13 आया प्रकाश संश्लेषण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। फिर इसके बाद क्रॉज एटोनॉमी इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे C3 और C4 पौधों में अंतर इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखें प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, अप्रकाशीय रासायनिक प्रतिक्रिया, चक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण, ये दोनों प्रश्न आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे रीजेनरेशन क्या होता है, रीजेनरेशन के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अध्याय 14 पे आ गए हम, अध्याय 14 में बच्चों ये है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, पूरा इसका सचित्र वर्णन इसको देख सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद किण्वन क्रिया के तीन महत्व, फिर ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब चक्र में 5 अंतर, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में 5 अंतर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कैप चक्र का ग्राफीय निरूपण ये देखें पूरा, ये बहुत बड़ा चित्र है, इसको आप देख लें। फिर इसके बाद बच्चों किण्वन व श्वसन की क्रिया में कोई 5 अंतर इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अध्याय 15 पे आ गए हम, अध्याय 15 में बच्चों विभेदन को स्पष्ट कीजिए, विभेदन क्या होता है, ये वृद्धि चक्र भी उन्होंने बोला था कि वृद्धि चक्र को भी आप लगा लेना, वृद्धि चक्र विभेदन ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ ऑक्सीजन हार्मोन के तीन कार्य, तो ये हैं बच्चों ऑक्सीजन हार्मोन के कार्य ये लिखे हुए हैं। फिर जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य ये तैयार कर लीजिएगा। फिर साइटोकाइनिन हार्मोन के तीन कार्य ये तैयार कर लीजिएगा, ये हार्मोन वाले कार्य इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद अध्याय सीधे 17, अध्याय 17 में ज्वारीय आयतन की परिभाषा उन्होंने बोली थी, ये पढ़ लीजिएगा ज्वारीय आयतन क्या होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों अंतः श्वसन किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा, अंतः श्वसन, निःश्वसन किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, अंतः श्वसन, निःश्वसन। फिर इसके बाद ऑक्सीजन वियोजन चक्र। फिर आठवां प्रश्न वायु कूपिकाएं गैसीय विनिमय के लिए उपयुक्त होती हैं क्यों, ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये है मानव श्वसन तंत्र, इसका सचित्र वर्णन पूछा जा सकता है, ये पढ़ लीजिएगा। निःश्वसन और अंतः श्वसन में अंतर, 5 अंतर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा निःश्वसन को बाह्य श्वसन भी कहते हैं और अंतः श्वसन को आंतरिक श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों ये लिखा है पूरा अंतर, यहाँ देख लें आप लोग अच्छे से। फिर इसके बाद ये सातवां क्वेश्चन, शरीर में CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है वर्णन कीजिए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे जो आखिरी प्रश्न है मनुष्य में श्वसन अंग का चित्र ये कर लीजिएगा। तो बच्चों ये उन्होंने इम्पोर्टेंट बताए थे, मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोग अपने दिमाग से भी और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो भी पढ़ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ जो कि आपके अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगा, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए।